हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर आज देख रहे होंगे, आपके सामने कुछ फ़ोटोज़ हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, कि आप जब कोई भी फॉर्म भरते हैं, चाहे वो टीचिंग का फॉर्म हो, चाहे नॉन टीचिंग फॉर्म हो या अदर कोई भी फॉर्म हो, उसमें आपको फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें अपलोड करने की ज़रूरत पड़ती है। और उसमें कभी कभी ये होता है कि आपको अपलोड करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, कभी फॉर्मेट नहीं सही बनता है, कभी आपको किसी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में डालना होता है, कभी सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ मर्ज करके एक पीडीएफ में, एक प्रॉपर केबी में बनाना होता है। तो ये सारी दिक्कतें आपके सामने कभी कभी आती हैं, जिसकी वजह से फॉर्म भरने में बहुत सारी दिक्कत होती है। और फ्रस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, फिर बाहर जा करके कैफ़ेज़ में पैसे देते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये कैफ़े वाले लेते हैं फॉर्म भरने का, और उसमें कुछ भी काम नहीं होता है। बहुत ही सिंपल सा वर्क होता है, जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन और चाहे तो अपने पीसी से बहुत आराम से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से आप फ़ोटोज़ को फॉर्मेट कैसे बदल सकते हैं। फोटोज़ का फॉर्मेट मतलब जेपीजी से पीएनजी या पीएनजी से जेपीजी, जैसे भी फॉर्मेट में आप बदलना चाहें, सब कुछ मैं बताऊंगा। और साथ ही आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने फ़ोटोज़ को पीडीएफ में कैसे बदलना है, उनको अगर आपको मर्ज करना है एक साथ तो वो आप कैसे करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज वीडियो में मिलने वाली है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, साथ ही उन लोगों के लिए जो रेगुलर फॉर्म भरते रहते हैं। और दोस्तों, साथ ही इस वीडियो के एंड में आपको एक बोनस टिप भी बताने वाला हूँ, तो उसके लिए वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखिएगा, क्योंकि वो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड में आपकी बहुत हेल्प करेगी वो चीज़। तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, अगर आपने वो मिस कर दिया तो शायद आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कई बार ये दिक्कतें आती हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपके सामने कुछ ये फ़ोटोज़ मैंने एज अ एग्जाम्पल डाउनलोड की हैं। आप इनको मान सकते हैं कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। मान लीजिए ये आपकी 10th की मार्कशीट है, ये आपकी 12th की, ग्रेजुएशन की, ये पीजी की, ये आपका कोई अदर सर्टिफिकेट है, कुछ भी आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप जब यहाँ पर एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जेपीजी फाइल में है, ये भी आपका जेपीजी में है, और ये आपकी पीएनजी फाइल है, और यहाँ पे ये जेपीजी फाइल है और ये भी जेपीजी। तो यहाँ पर हमारे पास एक पीएनजी इमेज है। अब मोस्ट ऑफ दी फॉर्म्स में आपने देखा होगा कि हमसे मांगा जाता है कि या तो फ़ोटो जेपीजी में होनी चाहिए या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो ये फ़ोटो है हमारी पीएनजी फॉर्मेट में, इसे हमें बदलना है जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में। तो दोस्तों, इसके लिए सिंपली आपको गूगल पर आना है, और यहाँ पर आपको सिर्फ छोटा सा जो भी जिस फॉर्मेट में आपकी फ़ोटो है उसको आपको टाइप करना। मान लीजिए ये फ़ोटो पीएनजी में, तो हमने टाइप किया पीएनजी टू जेपीजी, देखिए नीचे अपने आप लिख करके आ रहा है पीएनजी टू जेपीजी, ये हमने टाइप कर दिया। बस आपको इतना ही टाइप करना है और इसको सर्च कर देना है। सर्च करते ही आपके सामने कई सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, आप किसी भी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये फर्स्ट वाली वेबसाइट जो आप देख रहे हैं इसका यूज़ करता हूँ। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। फिर यहां पर आपको सिंपली अपलोड करना होगा। यहां पर हमने क्लिक किया और इस फोटो को सेलेक्ट करके ओपन कर दिया, और देखिए अपलोडिंग हो रही है। अपलोडिंग होते ही ये साथ में कन्वर्ट भी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये देखिए फोटो डाउनलोड हो चुकी है और ये जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहां पर हम जब इसको डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने ये फोटो डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे फोटो एक और यहाँ पर आ गई है और ये जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब हम इस पीएनजी फॉर्मेट वाली फोटो को डिलीट कर देते हैं। तो अब हमारे पास जितनी फोटोज हैं ये सब जेपीजी फॉर्मेट में है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इन्हें पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप तो अपने फ़ोन से फोटो क्लिक करते हैं, मान लीजिए ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आपको पीडीएफ में करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना होगा जेपीजी टू पीडीएफ, ये इतना आपको लिख करके सर्च करना है, क्योंकि हमें फोटोज़ को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसके लिए आप, मैं मोस्ट ऑफ द ये वेबसाइट यूज़ करता हूँ और दूसरी वेबसाइट ये है, आप इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको बस फोटो सेलेक्ट करनी है, सबको एक में अपने आप मर्ज करके दे देता है। अगर आप चाहें तो अलग अलग भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये सारी फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट करके ओपन कर दी। ठीक है, ये देखिए आपके सामने ये सारी फ़ोटोज़ आ चुकी हैं, और यहाँ पर आपको सिर्फ कन्वर्ट टू पीडीएफ का ऑप्शन है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मर्ज ऑल इमेजेस इन वन पीडीएफ। तो यहाँ पर आपको सभी को अगर एक पीडीएफ में मर्ज करना है तो यहाँ पर चेक कर दीजिए। अगर आपको अलग अलग बनानी, जैसे मान लीजिए अलग अलग उसमें आपको अपलोड करना होता है, तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको अलग अलग करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर टिक हटा दिया है, कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक कर दिया है। ओके, तो अब थोड़ा सा हम वेट करेंगे और ये सारी फ़ोटोज़ अपने आप जो हैं वो अलग अलग डाउनलोड हो जाएंगी।
तो यहाँ पे ये देखिए ये zip फाइल में अब हुई है, इनको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और जैसे ही हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ये देखिए फोल्डर बन जाएगा, इसमें सारी इमेज हमारे सामने सॉरी पीडीएफ जो हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। और देखिए ये पीडीएफ बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको इनको एक में मर्ज करना है तो यहाँ पर वही काम करेंगे, हम फिर से जाएंगे इन सभी इमेजेस को हम एक एक करके सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद देखिए मर्ज ऑल इमेजेस इन वन पीडीएफ। जैसे मान लीजिए आपके सभी मार्कशीट हैं इनको आपको एक फाइल में अपलोड करना है, जैसे कई सारे फॉर्म्स में करना पड़ता है, बस सिंपली कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक कीजिए और आपका एक क्लिक में ये तैयार होकर के आपको मिल जाएगा प्रॉपर पीडीएफ एक फाइल में। तो देखिए ये थोड़ा सा वेट करना होता है इस वेबसाइट पर और ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा देखिए ये पीडीएफ आ गया है। ये देखिए ये मैंने ओपन किया आपके सामने और इसमें आप देखेंगे इसमें सारे पीडीएफ जो हैं वो मर्ज हो चुके हैं। ये देखिए पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, आप जिस सीक्वेंस में डालेंगे उसी सीक्वेंस में ये उनको मर्ज करके आपको दे देगा। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 543 KB में है। इसका मैं प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि अराउंड 543 KB में, लेकिन कहीं कहीं आपसे बोला जाता है कि ये 1 MB से कम होना चाहिए या फिर 200 KB 300 KB। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए भी सिंपली आपको गूगल पर जाना है, पीडीएफ कंप्रेस आपको डालना है और सर्च कर देना है। पीडीएफ कंप्रेस जैसे ही डालेंगे वैसे ही आपके सामने फिर वही कुछ साइट्स हैं वो सब ओपन होकर के आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये पहली वेबसाइट है, इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर सेलेक्ट पीडीएफ पे क्लिक किया। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने उसी पीडीएफ को सेलेक्ट करना है और ओपन कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे कंप्रेस पीडीएफ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके फाइल को ये और कंप्रेस कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने और कंप्रेस किया है, लेकिन ज़्यादा कंप्रेस यहाँ पे नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी 543 KB में था, तो इसको इसने सिर्फ 542 यानी कि 1% ही इसको लेस किया है। अगर ये बहुत बड़ी फाइल होती, मान लीजिए 1 MB की होती, तो ये इसको और जो है परसेंटेज इसका और कम कर देता, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा ये कम करेगा तो फाइल जो है वो ख़राब हो जाएगी, यानी कि फाइल का जो मैं आपको बताऊं जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। फिलहाल देखिए इसकी क्वालिटी भी मेंटेन है, और वैसे मोस्टली जो पीडीएफ होते हैं वो आपको 1 MB तक अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाता है, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कोई इशू आता है, जैसे बहुत सारे लोग अपने फ़ोन से कैम स्कैनर वगैरह या बहुत सारी ऐसी ऐप है जिनका यूज़ करते हैं जिनसे पीडीएफ बनाते हैं, तो उनसे बहुत बड़े बड़े पीडीएफ बन जाते हैं, फिर उनको जब आप मर्ज करते हैं तो वो 4 MB 5 MB तक भी चले जाते हैं, तो उसका तो उनको अगर आपको कंप्रेस करना है तब आप इन वेबसाइट का यूज़ कीजिए, तो बहुत आराम से आपके लिए ये सब इजीली तैयार हो जाएंगे। ये वेबसाइट्स बिल्कुल फ्री हैं, आप इनका यूज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई आपको इशू नहीं आएगा। ओके, और दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था, जो कि हमारा आज का जो बोनस पॉइंट है वो ये है कि जैसे कि आप यहाँ पे फ़ोटोज़ देख रहे हैं, ठीक है, आपने अपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक की अपने कंप्यूटर में डाली, इसके बाद होता ये है कि कई सारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं जहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने पर भी अपलोड नहीं होती। आपने सही KB में फ़ोटो बना लिया, सही साइज़ में फ़ोटो बना लिया, फिर भी वो अपलोड नहीं होता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर देख रहे हैं इस फ़ोटो का नाम आप देखिए कैसे लिखा हुआ है कि स्टैक, फिर बीच में हाइफन लगा है ऑफ, फिर हाइफन लगा है पेपर, तो इस तरीके बहुत बड़ा नाम है। इसी तरीके से बाकी सभी में आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े नेम्स लिखे हैं, किसी में अंडरस्कोर लगाया, किसी में नंबर भी लिखा हुआ है। तो इनको आपको क्या करना है, इनको सिंपली आपको रीनेम कर लेना है। जैसे मान लीजिए ये आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या मार्कशीट है, इसको आप सिंपली लिख दीजिए हाई स्कूल HS, सिर्फ दो लेटर्स में आप लिख सकते हैं, या आप पूरा लिखना चाहते हैं। मान लीजिए अगर आप ये इंटर की है तो आप यहाँ पे इंटर लिख दीजिए सिर्फ, ठीक है, आपने इंटर लिख दिया। इसी तरीके से आपकी ये ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, चाहे वो BA BCom हो, तो यहाँ पर सिंपली BA मैंने लिख दिया। तो ना ही इसमें आप कोई डॉट लगाइए, ना ही कोई आप हाइफन लगाइए, ना ही कोई नंबर लिखिए, सिंपली जो है अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में आप जो है इनका नाम जो है रीनेम कर दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट्स ईजिली अपलोड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसको PG लिख दिया, ये हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए अगर ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप इसको सिर्फ कास्ट के नाम से लिख दीजिए। ओके, मतलब कोई भी आप एक्स्ट्रा लेटर या कोई भी चीज़ उसमें ऐड मत करिए। इससे क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट बहुत इजीली अपलोड जाते हैं, और ये कई बार मैंने किया भी है। अभी दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के फॉर्म में भी यही इशू आ रहा था, जो इसी की वजह से था, लोग ये फ़ोटोज़ को बिना रीनेम किए डाल रहे थे, जिसकी वजह से फ़ोटोज़ और डॉक्यूमेंट्स जो है पीडीएफ अपलोड नहीं हो रहे थे। लेकिन जब मैंने इसको सिंपली नेम रीनेम करके जब अपलोड किया तो बहुत ही आसानी से वो डॉक्यूमेंट्स एक बार में अपलोड हो गए। तो दोस्तों ये था आज का बोनस टिप, और जो मैंने आपको बताया कि कन्वर्ट करने का तरीका बहुत ही आसान है, आप आराम से जिस फॉर्मेट से जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं आप बस गूगल पर सर्च कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको अगर JPG से, कहीं कहीं क्या होता है JPEG से JPG फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करने को देता है, तो आप JPG
JPEG से JPG फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं फोटोज़ को, क्योंकि आजकल जितने भी पोर्टल जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर JPG फॉर्मेट में ही फ़ोटो को मांगते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, PDF को कन्वर्ट कर सकते हैं, PDF को JPG में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई PDF है उसको अगर आप फ़ोटो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। PDF to JPG आप डालेंगे आपके सामने, ये देखिए ये इस तरीके से वेबसाइट आ जाएगी। फिर से वही सब वेबसाइट है, उन पे एक वेबसाइट पे सारे काम हो जाते हैं। ये आपको यहाँ पे अपना PDF फाइल सेलेक्ट करना है। मान लीजिए ये PDF फाइल अभी हमने जो बनाई थी उसी को हम ले लेते हैं। ये हमने क्लिक किया और यहाँ पर आप जो है कन्वर्ट टू JPG पे क्लिक कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये PDF को JPG में यानी कि इमेजेस में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। ये देखिए डाउनलोड हो गया है और मैं आपको ओपन करके अब दिखा देता हूँ। ये देखिए एक और यहाँ पर जिप फाइल आ गई है और हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ पर देखिए नया फोल्डर बन गया और देखिए सारी फोटोज़ फिर से अलग अलग जो हैं वो PDF से JPG फॉर्मेट में आ गई हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जो भी लोग दोस्तों इस तरीके का प्रोसेस करना चाहते हैं अपने किसी फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए, आप इन सब वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हैं, एकदम फ्री हैं। और इस पे आपको एक वेबसाइट पे हर टूल मिल जाएगा, आप किसी भी फॉर्मेट को किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं जो आप इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे। और भी जो अदर वेबसाइट है आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके फॉर्म भरने में और भी कई जगहों पर आपको ये काम आएगा वीडियो। तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें इस वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।